वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों असी तिहाड़ जेल के बाहर खड़े हाँ, साढ़े नाल सरदार रमनदीप सिंह जी, सरदार लवप्रीत सिंह जी, सरदार जसविंदर सिंह जी और सरदार अमरबीर सिंह जी भुल्लर साहब, एडवोकेट साहब। जो किसान अंदोलन के दौरान तुम देखा कि किस तरीके 120 तो ज्यादा लोगों नजायज केसा के अंदर फड़ फड़ के लै आता, यो लोग ने तुसी सुन के हैरान हो गए। हसन वाली गल आ कि पुलिस नूं खुद राह पुछ रहे ने, मैं ठीक कह रहा जी ना? दसो की पुछ रहे तुसी? असीं राह पुछ रहे सी भी असीं दोबारे वापस जाना किधर दी आईए। ये पुलिस नूं राह पुछ रहे सी भी असीं वापस जाना, और वो भी कितें होर नहीं बल्कि उत्थे बॉर्डर दे कोल, और अपना लंगरां सेवा करदे पए ने। लेकिन जोर और जबर जुल्म जिहड़ा है उहदी आखरी इंतहा हुंदी आ। हौसले अज भी बुलंद ने। मैं सुन रहा सी जदों बाहर आया रमनदीप, तैनूं हुणे मीडिया वाले पुछ रहे सीगे भी की सुनेहा देना चाहुंदा है, इहदा सुनेहा की सी? मैं नहीं कहिंदा, अपने सुनेहा में अपने मुंह दसूगा की सुनेहा देना चाहुंदा लोकां नूं। असीं इही सुनेहा दिंदे आं उहनां चिर अंदोलन कायम रहे जिन्ने चिर किसान सारे बाहर नहीं आउंदे, जिन्ने अंदर फसे हुए ने, कोई झूठे केसां च, सब झूठे केसां च बेअंदोश बंदे अंदर किते हुए ने, किसी का कोई कसूर नहीं गा जो अंदर ने। अज बहुत सारे ऐसे लोग जिहड़े इस किसानी अंदोलन के अंदर अपना योगदान पा रहे हैं, तो मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करदा है किसान एकता जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे वालों एडवोकेट पंगू साहब का पूरा नाम की है जी? पी एस पंगू साहब का, जिन्होंने सारे एडवोकेट्स की एक कमेटी बनाई। भुल्लर साहब पहले दिन तो अपने पिंडां दे मैसेज ग्रुपां च पा के ते सुनेहा दिता, भाई किसी नूं लोड़ होवे ते असीं खड़े हाँ। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, ये साडे देश दे लोगां दी एक चुनी हुई संस्था दिल्ली दी, जिहड़ी हर मौके ते हर जगह ते अपने परिवार दे नाल खड़ी रहिंदी आ। सानू बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे इन्हां दा केस क्यों लड़ना है, टीवीआं ते गया, मैनूं बड़ियां फटकारां पाईआं टीवीआं ते, नैशनल चैनलां ते बस एक गल कही सी, अपने भरावां दे नाल खड़े हाँ। गदार घुआउण नालों मर जाणा मंजूर आ, पर अपने भरावां दा साथ नहीं छड्डांगे। मेरे वीरो असीं डट के खड़े हाँ, अज अंदरों वी सुनेहा लै के आए आ, जिहड़े बाकी रहि गए ने कुछ मुकालनामे की दिक्कत आ रही है क्योंकि दिल्ली कमेटी की मोहर लाके नहीं गई, दुविधा च ने लोग, पर मैं बाकी के परिवारों को भी कहना चाहना है असी दिल्ली के लोग जड़े हैं इस गल की चिंता करते पे हाँ कि साडा कोई भी घर का परिवार का जी जिहड़ा है वो केस अंदर ना उलझे और अंदर ना रह जाए, जो तक सब दी जमानत नहीं हो जांदियां। ये दिल्ली के समूह एडवोकेट जिहड़े ने जिहड़े कि बिना किसी फीस तो लड़ाई लड़ते पे ने, इसे तरह तुहाडे लई लड़दे रहणगे, और तुसीं भी हौसले बुलंद रखियो और साडे भी हौसले बुलंद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।